बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक फाउंडेशन के बारे में। मैं काफ़ी अर्से से एक बहुत ही अच्छे और बेहतरीन और अफोर्डेबल फाउंडेशन की तलाश में थी, जो मेरी स्किन टोन के मुताबिक भी हो और अफोर्डेबल भी हो, क्योंकि मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो मैं इसलिए सर्च कर रही थी कि मुझे कोई अच्छा सा फाउंडेशन मिल जाए लोकल मार्केट से, क्योंकि मेबेलिन के, काशीद के, मुसर्रत इज़ा वगैरह के जो फाउंडेशन होते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, वो बजट में नहीं आते हैं। तो मैं मार्केट गई थी तो मुझे ये वाला फाउंडेशन नज़र आया। इसके रिव्यू भी मैंने यूट्यूब पे देखे हैं। फेस इट का फाउंडेशन है नेचुरल स्टोरी, मैच परफेक्शन HD फाउंडेशन है, लाइट परफेक्टिंग रेडियंस सनस्क्रीन फाउंडेशन। ठीक है, ये आपको जो है लोकल मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये वाटर प्रूफ है और जो है इसमें सनस्क्रीन भी है। इसकी प्लास्टिक की कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है। इसके बैक साइड पे उन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें मेंशन उन्होंने नहीं किए हुए, और इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सपायरी डेट इसमें मेंशन होती है। मैंने जो ये लिया है ये इसकी एक्सपायरी डेट है, ये 2021 से 2024 तक जो है इसकी एक्सपायरी डेट है। और लेकिन आप इसको इस दौरान जब भी ओपन कर लेंगे तो आपको इसको 12 मंथ के अंदर अंदर ख़त्म करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक बात शेयर कर दूँ कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने ये कराची मीना बाज़ार की मार्केट से 450 रुपये यानी 450 में परचेज़ किया है। इसको जो है डिफरेंट सेलर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी के प्राइजेस में बेचते हैं, कोई 500, 600, 700, 800। लेकिन अगर आप लोग किसी अफोर्डेबल मार्केट में जाके इसको सर्च करेंगे ना, 3 से 4, 5 से 7 दुकानें देखेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से 500 तक में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद जो है इसका शेड नंबर जो है वो 29 है, थोड़ा डार्क है। लेकिन जो है वो मैं चाह रही थी कि मुझे थोड़ा डार्क ही फाउंडेशन मिले। मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो ना ही वाइट है और ना ही डार्क है, मीडियम स्किन टोन है मेरी। तो ये मेरी स्किन टोन पे लग के मुझे बिल्कुल सही लगता है। मुझे वाइट चिट्टा फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं पसंद अपने फेस पर, तो इसलिए जो है मुझे ये वाला कलर बहुत सूट करता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है जब मैं यही वाला फाउंडेशन खरीदूँ तो मैं इससे थोड़ा सा लाइट शेड खरीदूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क है लेकिन सही लगता है मेरे फेस पे। अच्छा, इसकी जो पैकेजिंग है, इसकी बॉटल जो है वो ग्लास की है, और ग्लास भी बहुत अच्छे मटेरियल का इन लोगों ने यूज़ किया है। बहुत थिक जो है मोटा वाला ग्लास होता है वो है, लेकिन इसका जो पंप और कैप है वो प्लास्टिक का है, और इसका पंप भी बहुत अच्छा है कि आप एक दफ़ा जब निकालते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल सी क्वान्टिटी निकलती है, बहुत ज़्यादा नहीं निकलती। इस तरह से आपने इसको पंप को निकालना है और अपने हाथ पर अच्छी तरह से जो है वो इस तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद जो है आप इसको सेटिंग पाउडर से सेट कर सकते हैं। इससे पहले आप चाहें तो प्राइमर भी लगा सकते हैं। गर्मियों में ये फाउंडेशन जो है इस ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है ही, लेकिन गर्मियों में ये फाउंडेशन ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ये वाली फाउंडेशन जो है वो ड्राई स्किन वाले ना यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैट हो जाती है और सर्दियों में ड्राई स्किन वालों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, तो ये उनको बिल्कुल सूट नहीं करेगी। गर्मियों में हो सकता है ये ड्राई स्किन वालों को सूट कर जाए, लेकिन ये बेसिकली जो है मैट फाउंडेशन है और इसकी जो है वो बहुत थिक है, कंसिस्टेंसी जो होती है ना इसकी वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड नहीं करती कि इसको ड्राई स्किन वाले यूज़ करें। और मेरी स्किन ड्राई है भी नहीं, तो मुझे नहीं पता कि ये कैसा ड्राई स्किन पर वर्क करेगी, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है ड्राई स्किन पर इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं होगा जितना इसका रिज़ल्ट जो है वो ऑयली स्किन पर अच्छा होगा। ड्राई स्किन पर इसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा होगा। बाकी ड्राई स्किन वालों की मर्ज़ी, अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें। ड्राई स्किन वालों के लिए जो मिस रॉस की नई फाउंडेशन आई है ना, सिल्क फाउंडेशन, वो वाली ड्राई करके देखें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा ड्राई स्किन वालों के लिए। लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। आप इसको फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करके इसको जो है सेटिंग पाउडर से या फेस पाउडर से जो है आप इसको बहुत अच्छी तरह सेट कर लें। मैंने ये लोकल मार्केट से 450 में ख़रीदी है, आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को यही मशवरा दूँगी कि आप लोग जो है इस फाउंडेशन को खुद जाके लोकल मार्केट से परचेज़ करें, अपने
कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से जो है आप लोग इसको देखें और इसको परचेज़ करें। ये मैंने 450 की ली है, हो सकता है पैसे बढ़ गए हों, लास्ट मंथ मैंने ली थी सितंबर में, अब पता नहीं पैसे बढ़ गए हों, तो 500 के अंदर अंदर ये आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से। आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो आप लोग जो है इस फाउंडेशन को ज़रूर मेरे कहने पे एक दफ़ा ट्राई करें, जिनकी स्किन जो है वो ऑयली है और अगर वो किसी अच्छी फाउंडेशन की तलाश में हैं, किसी अफोर्डेबल फाउंडेशन की तलाश में हैं, तो मैं आप लोगों को ये बहुत बहुत रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। और आप लोग कौन से प्रोडक्ट पे वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने फेसिट का प्राइमर भी ख़रीदा है, उस पर भी अगर आप लोग चाहें तो मैं रिव्यू कर दूँगी, उसका रिव्यू भी मैं अगले नेक्स्ट वीक तक जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। मैं बहुत अफोर्डेबल शॉपिंग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट कितने तक के कहाँ से मिलते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।